नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल हाउ एम डिजी चिकन। लेट्स लर्न इंग्लिश। आइए आज हम कुछ और शब्द सीखते हैं। रोजाना बोले जाने वाले वाक्य, सेंटेंसेस यूज्ड इन डेली लाइफ। तो आज मैं आपको जो शब्द बताने वाली हूँ उसको हम अलग अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं वाक्यों में, वो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊँगी। तो देखें, यहाँ पे पहले मैंने एक शब्द लिखा है सुनना। सुनने का मतलब होता है हियर और लिसन। हेयर मतलब जो हम अपने कानों से सुनते हैं, इसके लिए हेयर का मतलब क्या होता है, ये हमारा एक रोज का काम है, हमें हर तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसके लिए हमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, हमारा एक सेंस ऑर्गन है जिससे कि हम कोई भी आवाज़ कहीं से भी आए हमारे कानों में पड़ती है तो हमको सुनाई दे जाती है। और लिसन का क्या मतलब होता है, लिसन का मतलब हमें कानों से ही सुनाई देता है लेकिन उसके लिए हमें बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, हमें उसमें अपना एक कोशिश करनी पड़ती है, एफर्ट डालना पड़ता है सुनने के और समझने के लिए। लिसन का मतलब होता है कि सुनो भी और उसको समझो भी, उसके ऊपर अमल भी करो। तो यहाँ पे ये दोनों सुनना ही होता है हिंदी में, लेकिन हमें उसका अलग अलग जगह इस्तेमाल करते हैं, हेयर और लिसन। हेयर मतलब विदाउट कोशिश किए, कोई कोशिश नहीं की। सुनना मतलब हमने कोशिश भी की और हमने उस पर अमल किया या हमने उसे समझा, तो उसको तब हम लिसन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों तरीके से आपके लिए वाक्य बनाए। मुझे रोज़ घंटी सुनाई देती है, आई हेयर अ बेल डेली। तो इसमें क्या है, घंटी बजती है और मुझे सुन जाती है, मतलब आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मुझे सुनाई दे गया। ठीक है, अभी बच्चों मेरी बात सुनो, चिल्ड्रन लिसन टू मी। तो यहाँ क्या है, बच्चे सुनो, मेरी बात सुनो मतलब अपने कानों से सुनो और उसको समझो, उस पर अमल करो, मतलब ये आपको सुनना है और समझना है। तो यहाँ पे हम लिसन का इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए, मैंने दोनों शब्दों को एक ही वाक्य में बताया जिससे कि आपको अंतर समझ में आए। मैंने सुनने की कोशिश की पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। I tried to listen but I couldn't hear anything। मतलब यहाँ पे मैंने सुनने की कोशिश की है, tried मतलब कोशिश, मतलब tried बहुत सुनने की कोशिश की है, तो यहाँ पे मैंने listen का इस्तेमाल किया लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा, तो वहाँ पे मैंने hear का इस्तेमाल किया। तो ये I tried to listen but I couldn't hear anything। ठीक है, अभी देखिए, उड़ना, fly। fly क्या होता है, कोई भी चीज़ उड़ती है तो हम उसे fly बोलते हैं। चलो पतंग उड़ाते हैं, कम लेट्स फ्लाई अ काइट। तो हम यहाँ पतंग उड़ाने जा रहे हैं। यह चिड़िया उड़ सकती है, दिस बर्ड कैन फ्लाई। तो ये उड़ सकती है, अपने आप उड़ सकती है। वह विमान उड़ाना सीखना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू लर्न हाउ टू फ्लाई एन एरोप्लेन। तो यहाँ पर वो उड़ाने की, ये सब हमने तीन वाक्यों में उड़ने को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। सिलना मतलब सीव। वह बहुत अच्छी सिलाई करती है, शी सीव्स वेरी वेल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।